हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई से सब करे जो सूखने अरे मतलब भाई सूख गए थे बनाने के लिए। गाइस मेरी फेवरेट सब्जी है करे जो, आपकी है तो कमेंट में जरूर बताना। सुबह से अभी बाहर जो है बहुत बढ़िया वाली हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडा मौसम और एकदम अभी धूप हो रही थी और एकदम बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया है। देखिए गाइस पूरा ठंडा मौसम हो रहा है अभी, बिल्कुल बादशाह इतनी धूप हो रही है क्योंकि अभी भी जमीन जो पूरी गर्म हो रही है अभी और एकदम बिल्कुल ठंडी हवा आ गई। एकदम मज़ा आ रहा है इस ठंडी ठंडी हवा में। मैंने एक चीज़ देखी थी यूट्यूब पर, आइसक्रीम देखी थी गाइस मैंने बनाया, ओरियो वाली आइसक्रीम शायद आपने भी देखी होगी। तो गाइस मैं अभी से बनाऊंगा गाइस, तो अभी बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए ओरियो, इसको हमने क्रश कर देना है बिल्कुल बढ़िया करके, इसलिए मैं यूज़ करूँगा ये। ऐसे हमें दर्द कूटते हैं और ये भी कूट जाए तो भाई इधर वो नहीं है दिक्कत। तो अभी इसको हमें रखना है फ्रीजर में, तो इसे फ्रीजर में रख लेते हैं हम। वो गाइस अभी मैंने इसमें रख दिया कि गाइस वो बड़ी वाली स्पून सारी एकदम। सो गाइस अभी इसे हमें 2 घंटे तक ऐसे ही रखे रहने देना है, तो इसे हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं 15 दिन। तो अभी इसे हम बंद कर लेते हैं। तो गाइस अभी जो मैं आपके साथ जा रहा हूँ मम्मी के सूट देने। घर आ गया गाइस, मेरी साइकिल भी धुल गई पूरी, बारिश में थी बाहर, बारिश हुई थी तो धुल गई बढ़िया करके। तो मम्मी चलते हैं और सूट तो मिला नहीं मम्मी का, तो क्या कर सकते हैं हम। सो गाइस अभी आइसक्रीम जो है फ्रीज हो रही है, सो गाइस उससे पहले भी हमें एक चीज़ और प्रिपेयर करनी है। सो गाइस हमें चॉकलेट को जो है मेल्ट करना है, तो गाइस ये मैंने इसे मेल्ट कर देता हूँ गाइस। इसके बजाय आप हर चीज़ सिरप को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम मेल्ट होने देते हैं, 6 मिनट ले लाया था। बादाम भी चाहिए, इसको भी हम मतलब पीस देने से क्रश कर देंगे गाइस। और भी जो मैं इसे मतलब मेल्ट करने से ऐसे तो अच्छा, इसमें मैं दूध डाल दिया था, तो दूध डाल के ऐसे घुमाते रहते हैं। इसमें आप हर चीज को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी किट्टू भी अंदर आ गया है, तो अभी देखते हैं हमारी आइसक्रीम फ्रीज हुई भी कि नहीं हुई। तो अभी हुई नहीं है कितने रखे में, तो अभी इन्हें हम होने देते हैं थोड़ी और देर। वैसे अभी आइसक्रीम जो है फ्रीज हो गई है बढ़िया करके, इसमें धुआं भी निकल रहा है निकल का। तो वैसे मैंने कप चेंज कर दिया क्योंकि गाइस वो कप फिट नहीं हो रहा था आइसक्रीम उसमें फ्रिज में, क्योंकि उसमें बर्फ जमी हुई है। तो गाइस अभी इसे हम निकाल लेते हैं। तो गाइस पोपट हो गया, ये बनी ही नहीं गाइस, सही से जमी नहीं। खैर आपको जमा लेना, आपको जितनी देर जमानी हो, मैं तो बस 4 घंटे जमाई जमी ही नहीं है वही, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी से हम चम्मच से खा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, हम प्रोब ले रहे हैं तो हम कैसे भी खा लेते हैं। इसमें हम मिक्स करके खाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेस्टी तो गई है ही अभी, पर जमी नहीं है आइसक्रीम जैसे। या तो भाई मेरी स्पून सही नहीं थी इसलिए ना जमने, मेरे पास थी नहीं जो मेरे को चाहिए था। गाइस कोई दिक्कत नहीं है, देखिए डेकोरेटिंग में बाकी सही है बहुत, मतलब चॉकलेट शेक के लिए बहुत सही है चॉकलेट शेक। अगर आपको गाइस करना हो तो आप इसे थोड़ी देर और जमा लीजिएगा, सही से बन जाएगा। भाई ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो इसे तो मैं खाने आ रहा हूँ। तो गाइस अभी तो मैंने वो खा लिया है, और गाइस अभी कुछ मीठा खाने मसालेदार भी खाना चाहिए। तो गाइस पकौड़े रखे पड़े हैं यहाँ पे गाइस, पापा ने बनाए थे बिल्कुल गर्म गर्म, तो इन्हें भी खा लेते हैं, मज़ा आ गया गाइस। तो गाइस अभी शाम के 7 बज रहे हैं गाइस, ये 7 हो रहा होगा इधर ही, बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो गया गाइस, पूरा अंधेरा हो गया है, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। और बिल्ला किट्टू भी चिल्ला रहा है उधर पड़े पड़े, डे चिल्ला रहे हो बछुआ बछुआ चिल्ला रहे हो।
रोज रिंगा रिंगा रोज खिला दूंगा, खिलेगा रिंगा रिंगा रोज रिंगा रिंगा रोज गुस्सा आ गया बेचारे। अब बाहर देखते हैं अभी क्या हाल हो रहे हैं। इसे चल रही है रूम हमारा ठंडा। तो मेरी साइकिल उधर कोने में खड़ी पड़ी है क्योंकि मैं आता हूँ तो थोड़ी बार ड्रिफ्टी मार देता हूँ, निशान पड़े पड़े तो कोने में खड़ी कर देता हूँ। मैं साइकिल चलाता रहता हूँ जब फ्री बैठा रहता हूँ। तो गाइस मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।